बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से। जैसा कि आपको पता है कि आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है, मैंगो से और डबल रोटी से हम किस तरीके से स्वीट डिश तैयार करेंगे, कमाल का उसका टेस्ट होगा। आप कहेंगे कि बकरा ईद के लिए जो रेसिपी हम दे रहे हैं ये गिफ्ट आपकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं। आप तवज्जो से देखा करें, बहुत टेस्टफुल बनेगी, आपका एक नाम होगा कि बढ़ाया किन्नी है स्वीट डिश। तवज्जो से देखें, स्वीट डिश तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये जाली लेंगे रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ठीक हो गया, और इनको हम तैयार कर लेंगे ताकि ये ठंडी होके अच्छे तरीके से जम जाए। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम ऑन करके 2 कप पानी के शामिल करेंगे इसमें और पानी को बॉयल आने के वेट करेंगे। ये 1 कप और ये 2 कप, ठीक हो गया। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, रेड वाली जाली का पैकेट लेंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से हम खोल लेंगे, उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे इस तरीके से, पौवे की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 4 से 5 सेकंड तक इसको इस तरीके से बॉयल आने देंगे। बस अच्छे से बॉयल आ गया, अच्छे से ये हल हो गई जेली जो पानी में है। इसके साथ का एक हम जो है ना, ये देखें, ये बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे, जमने के लिए छोड़ देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम जो है ना ग्रीन वाली भी तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमने इसमें डाल दिया, इसको रेस्ट दे देंगे, 30 से 40 मिनट में ये तैयार हो जाता है, बिल्कुल जम जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक हो गया। अगर आपने जल्दी ठंडी करनी है तो 10-15 मिनट के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर भी ये अपने हार्ड हो जाती है, जम जाती है। इसी तरीके से मैं ये ग्रीन वाला तैयार कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। पानी को बॉयल आ गया, इस तरीके से ग्रीन वाला पैकेट एक जाली पे शामिल कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे, बॉयल आने पे इसको पैन में शिफ्ट कर देंगे। ये देखो हूँ पैन आ गया है, एक वो पैन एक है पैन, बाबे करो दो इको जो होए जो ना है, गल समझ आ रही है। इसको अच्छे से हल कर लेंगे, बॉयल आ गया, फ्लेम को बंद कर देंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे, चूल्हे का काम खत्म, गल समझ आ रही है। है ना शॉर्ट रेसिपियां, गर्मियां का सीजन जो है, ईद जो गर्मियां चाह रही है, तो चूल्हे का काम भी घट तो घट बाबे ने कर देता। इसको यहाँ पे रख देंगे और इसको छोड़ देंगे जमने के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। हमारे पास ये 4 अदद आम है, सिंधड़ी आम, इनको हम छील लेते हैं। छीलने के बाद हम आपसे मिलते हैं, अभी इसका क्या करना है। 4 आम छील लिए, 2 आम हम इस तरीके से बारीक जो है ना फाइन चॉप कर लेंगे इस तरीके से, कट लगा के इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से बारीक बारीक, ये इस तरीके से हम 2 आमों को इस तरीके से हम चॉप कर लेते हैं फाइन, और 2 आमों को हम जूसर वाले जग में डालेंगे, ठीक हो गया। दो आम हमने चॉप कर लिए, वो यहाँ पे इस बॉल में निकालने लगे हैं, इसको साइड पे कर दें, ये तैयारी मुकम्मल हो गई है, होना से तैयारी कर रहे हैं, कल समझ आ रही है। इसको यहाँ साइड पे कर दें, ये जो 2 आम हमने जूसर वाले जग में डाले थे, इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, आइसिंग शुगर। ये हमारे पास आइसिंग शुगर है, पीसी हुई चीनी, ठीक हो गया। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में पीस लें, कोई मसला नहीं है। ये 1 और ये 2 टेबलस्पून, बस ये डालेंगे हम। 4 आमों का फार्मूला, वजन में देखा जाए तो 1.5 किलो आम बनते हैं। ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है, ये हम ले लेंगे 1 कप चाय वाला, ये देखें, ये 1 कप चाय वाला हमने कंडेंस मिल्क ले लिया, ये इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरीके से चस्के थे होना आन गया सल। कंडेंस मिल्क डाल के ये 1 कप हम इसमें लेंगे दूध का, डब्बे वाला दूध या घर वाला कोई भी आपके पास हो वो ले लें, फ्रिज में रखा हुआ जो होता है, शामिल कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट बस। ये
के यहाँ बॉल में निकाल देंगे इसको इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ये तैयारी भी कंप्लीट होगी, आम भी चॉप हो गए। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ब्रेड के स्लाइस हैं 6 अदद, इनको हम बारीक बारीक इस तरीके से काट लेंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से इनको जैसे आप समझ लेंगे चॉप कर लें। ठीक हो गया, इनको चॉप कर लेंगे। ये हमने 6 स्लाइस जो है ना इनको इस तरीके से चॉप कर लिया, ये भी तैयारी कंप्लीट होगी। हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है, ये कैमरे के सामने पड़ी हुई है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम 2 कप चाय वाले व्हिपिंग क्रीम लेके हम इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से इस बिटर की मदद से व्हिप कर लेंगे, जान में ले आएंगे। ठीक हो गया, ये ले जी हमने ये 2 कप चाय वाले व्हिपिंग क्रीम इसमें शामिल कर दी। ये ले जी हमने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली जो कि फ्रीजर में रखी हुई थी, जमी हुई और ठंडी होनी चाहिए। अब इसको हम व्हिप करने लगे हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट व्हिप करेंगे ताकि जान में आ जाए। जैली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है, अब इसको काटने लगे हैं। इस तरीके से हम इसकी कटाई कर लेंगे क्यूब की शक्ल में। इस तरीके से कटाई होगी रेड वाले जैली की, और ग्रीन वाले की भी इसी तरीके से कटाई कर लेंगे। इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखें इस तरीके से क्यूब तैयार हो गए। सबसे पहले हम ये बॉल लेंगे जिसमें हम सर्विंग करेंगे, ब्रेड के जो चॉप किए हुए स्लाइस थे इस तरीके से डालेंगे नीचे, ब्रेड सबसे पहले इस तरीके से फिला देंगे। ये जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था कंडेंस मिल्क का और मैंगो का, इस तरीके से उठाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। हैं, ये देखें इस तरीके से आराम से इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, फाइन चॉप किए हुए मैंगो इस तरीके से डाल देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से फिला देंगे, कोई मसला नहीं है। जैली रेड वाली इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ग्रीन वाली इस तरीके से, हैं, इस तरीके से ग्रीन वाले डाल देंगे। अब साथ में एक हमारे पास सेब है, इस सेब को हम ले लेंगे जिसके बीज हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से और बारीक बारीक। ये सेब जो है उसी टाइम जिस टाइम आप सर्विंग करेंगे उसी टाइम काट के डालेंगे, अगर पहले काट के रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा सेब डाल देंगे इसके ऊपर। सेब डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्रीम रखी हुई थी व्हिप करने के लिए व्हिपिंग क्रीम, ये डालेंगे व्हिप करके रखी हुई। हाँ जी, व्हिप करके हमने रखी हुई थी ये, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया, इसको क्रीम को इस तरीके से फिला देंगे, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके अब हम फिर दोबारा से ब्रेड इस तरीके से, हैं, ये इस तरीके से, ये जो हमने मटेरियल तैयार किया है ये 2 सर्विंग बनेंगे इसके साथ के बॉल तैयार होंगे। फिर हम ये डालेंगे ये इस तरीके से मिक्सचर इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। फिर हम डालेंगे मैंगो फाइन चॉप किए हुए इस तरीके से। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर जैली रेड कलर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाबे की बना रहे था, स्वीट डिश बना रहे हैं ईद वास्ते इस तरीके से। साथ में ग्रीन वाली देखिएगा, हैं, सुभान अल्लाह, हैं, फिर ये देखें इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हम बना डाल देंगे। अब फिर इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे इस तरीके से, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, हैं, इस तरीके से इसको हल्का हल्का इस तरीके से हम फिला देंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से, मैं आपको अभी कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। इसको छुपा देंगे, पूरा बॉल इस तरीके से तैयार कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये मिक्सचर तैयार किया हुआ था कंडेंस मिल्क का और मैंगो का, इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। तवज्जो से देखते रहें किस तरीके से सेटिंग हो रही है थी, इस तरीके से डाल के हल्का हल्का इस तरीके से। ये टूथपिक ले लेंगे, एक टूथपिक एक निकाल लेंगे इस तरीके से।
इसको हल्का हल्का इस तरीके से कर देंगे ऐसे हैं, इस तरीके से हल्का हल्का ऐसे ऐसे सेटिंग कर देंगे, ऐसे सेटिंग कर देंगे इसकी इस तरीके से टूथपिक से हैं, थोड़ा सा इस तरीके से लुक वाइज खूबसूरत लगे। इस टाइम पे आके चॉप किए हुए बादाम गार्निश के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओए मुंह च पानी आ रहे ने, ये देखो इस तरीके से डाल देंगे। चॉप किए हुए हमने इसके अंदर जो है ना पिस्ता चॉप किया हुआ इस तरीके से डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। सेंटर वाली जगह हम खाली रखेंगे, साइडो पे लगा देंगे, ठीक हो गया। ये इस तरीके से ऐसे सुभान अल्लाह है, सेंटर में मैंगो इस तरीके से हैं जी, सेंटर में रेड वाली जैली थोड़ी सी इस तरीके से, ग्रीन वाली जैली थोड़ी सी इस तरीके से। अब मैं आपको इसकी यहाँ से नीचे से लुक दिखाता हूँ, ये देखिएगा हैं, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। मेरे भाइयों, बकरा ईद की बड़ी ईद की बड़ी रेसिपियाँ। अगर आपको हमारी ये स्वीट डिश अच्छी लगी हो जो हमने आम के सीजन में बना करके आपके साथ शेयर कर दी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। गल समझ आ रही है, इस तरह के दो बोल तैयार होंगे जो मटेरियल हमने तैयार किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।